दोस्तों नमस्कार। चलिए आज आपको यूरोप टूर में पेरिस के डिज्नीलैंड की धमाकेदार सैर कराते हैं। वैसे तो डिज्नीलैंड दुनिया में कई देशों में है, मगर यहाँ पेरिस की बात ही कुछ अलग है। ये थीम पार्क जितना बच्चों के लिए पॉपुलर है, उतना ही बड़ों में भी। अपने पसंदीदा डिज्नी करेक्टर्स को यहाँ देखकर बच्चे और बड़े सभी खुशी नहीं होते, हैरान भी होते हैं। जैसे मिक्की माउस, मिनी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो, डेजी डक, सिंड्रेला, स्नो वाइट, अलादीन, सिम्बा, एल्सा और एना। यहाँ पर बहुत से राइड्स हैं, बहुत सारे कार्टून करेक्टर की परेड भी होती है, जिनसे नज़रें हटाना संभव नहीं। इसलिए शायद दुनिया भर के बच्चों के लिए ये आकर्षण का इतना बड़ा केंद्र है। और बच्चों के लिए ही क्या, बड़ों के लिए भी उतना ही अट्रैक्टिव है। दोस्तों ये है हमारे यूरोप टूर का पूरा ग्रुप, जिसमें पूरे इंडिया से हर उम्र के लोग आए हैं। और ये हैं हमारे टूर मैनेजर कम गाइड मिस्टर सुरेश, जो पग पग पर हमको गाइड कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे वॉक करके सीधा जाएंगे, आगे एक स्टेशन है, दे वांटेड टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम देयर, सो डोंट फॉलो देम, है ना? दोस्तों हम डिज्नीलैंड आ चुके हैं और मेन गेट के सामने हैं, अंदर घुसने वाले हैं। इस पार्क में सुना है सैकड़ों झूले हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और हमने तो एक ही झूला झूला था, सावन का झूला जिसको बोलते थे। यहाँ पर आके इन अंग्रेजी झूलों से भी मुखातिब होंगे और देखेंगे इसमें कितना मजा आता है। चलिए आप भी झूलिए। दोस्तों ये देखिए, बच्चों ने डिज्नी से रिलेटेड अपने टॉयज भी खरीद लिए हैं और कितनी मस्ती में हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि थोड़ी देर में इनको अपने पसंदीदा कार्टून करेक्टर से आमने सामने मिलना जो है। दोस्तों वो खुशी जो बच्चों के चेहरे की मुस्कान में मिलती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ को देकर आप नहीं पा सकते, जो हमको यहाँ मिली। दोस्तों यहाँ पर एक शेर मुझे याद आता है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्तों ये है पेरिस के डिज्नीलैंड का फ्रंट पार्क, जहाँ पर कि अभी थोड़ी देर में इनकी एक जो कार्टून है, इनकी एक परेड होती है और लोग कार्टून की तरह बन के यहाँ पर घूमते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा चीज़ है, एक छोटी सी बात है कि बच्चों का कार्टून, इसको लेके इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड इसको देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और दे आर वेटिंग फॉर देयर करेक्टर्स विच आर कमिंग इन द टीवी एंड देयर कार्टून शो। देखिए बच्चों में कितना एक्साइटमेंट है कि उन्होंने अपने कार्टून करेक्टर्स के खिलौने अपने हाथ में रखे हुए हैं और सिर में भी कुछ लगा रखा है, जिससे कि वो फील उनको आ सके कि वो अपने कार्टून करेक्टर के साथ यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। देखिए इनके कार्टून करेक्टर्स की जो बारात आ रही है वो शुरू हो गई है आनी, और पहली डोली आपके सामने पेश की जा रही है। देखिएगा तो दोस्तों ये है उन कार्टून करेक्टर्स की परेड, जिनके लिए यहाँ पर पूरी दुनिया से हजारों हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। ये परेड रोज सुबह शाम इसी प्रेमिसेस में होती है। पचासों करेक्टर हैं जो कि टीवी में, कार्टून फिल्म्स में और कार्टून शोज में दिखाए जाते हैं। बच्चे क्या और बड़े क्या, सभी देश विदेश से आए हुए सैलानी यानी कि टूरिस्ट इतना एक्साइटेड हैं इनको देखने के लिए, इनसे हाथ मिलाने के लिए। आप स्वयं ही देख सकते हैं। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि ये करेक्टर्स कितना लाइवली और कितना रियल लग रहे हैं। इनके कॉस्ट्यूम, इनके कंप्लीट ड्रेसेस एकदम ओरिजिनल लग रही हैं। कितने रियल मुखौटे पहन रखे हैं, और इनको इस तरह ड्रेसअप होने के लिए कितना अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये हर करेक्टर के चेहरे पर आपको मुस्कान दिखाई देगी, खुशी दिखाई देगी, और उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही स्फूर्ति शुरू से आखिर तक आपको मिलेगी। तो ये कला है इन आर्टिस्ट की। दोस्तों जितनी देर भी हम लोग यहाँ पर रहे, क्या बताएं किस तरह का माहौल था, किस तरह की सोच उस समय हमारे पर हावी थी कि हमें सारी दुनिया के और सब चीज़ों से एकदम अलग होकर हम इनमें खो गए थे। जबकि हम अच्छी खासी उम्र के हैं और हमें कार्टून आर्टून को देखे हुए एक ज़माना हो गया, एक अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद
इन कार्टून्स को देखकर और इनमें पब्लिक के लोगों का इंटरेस्ट देखकर और जो भारी सैलाब भारी हुजूम पूरी दुनिया से इकट्ठा होकर यहाँ पर आया हुआ था और इन लोगों के इन क्रियाकलापों को देखने के लिए और इनसे मिलने के लिए इनसे हाथ मिलाने के लिए वो बेचैन था, ये देख के हम लोगों को भी एक अजीब टाइप का एक फन एक अच्छी सी सोच डेवलप हुई कि कुछ पलों के लिए ही सही हम दुनिया की सारी टेंशन्स को भूल के एक अलग तरह की दुनिया में उसको एंजॉय कर रहे थे, उस खुशी को एंजॉय कर रहे थे, उन फीलिंग्स को एंजॉय कर रहे थे जो कि शायद बच्चों के मनों में उस समय चल रही हो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का ये सफ़र यहाँ से पूरा हुआ और उसके बाद हम निकले इस डिज्नीलैंड की एक टॉय ट्रेन, कहने को टॉय ट्रेन है लेकिन इसमें बड़े लोग बैठते हैं और बच्चे भी बैठते हैं, सब लोग मिलके इसको एंजॉय करते हैं। इसका एक लंबा सफ़र है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बीच में रॉक्स आती हैं, बीच में पानी भी आता है, बीच में भूतों का महल भी आता है और घूम फिर के वापसी हमको यहाँ पर ये छोड़ेगी। तो इस ट्रेन के सफ़र में हम लोग आपको लेके चलते हैं, आइए हमारे साथ, आप भी चलिए। करता मैं नहीं चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चलाऊं मेरा पीछा ना, मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना, ओ मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। ड्राइवर का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र थोड़ी है। अरे वो घूमो लेफ्ट 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 पूरी डिज्नीलैंड की सैर के बाद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था उनको वो ड्रेसेस ख़रीदना जो कि उनके प्रिय कार्टून करेक्टर्स पहनते हैं। तो आखिर में हमने उनकी वो शॉपिंग करी, उनको उनकी ड्रेसेस और टॉयज़ दिलवाए, उसके बाद हम अपनी यात्रा को समापन की ओर ले जा रहे हैं। और डिज्नीलैंड में घूमते घूमते सुबह 10 बजे से हमको 5:30 बज गए और हमारी गाड़ी का 6:30 बजे बाहर से निकलने का टाइम है, लगभग 1 किलोमीटर पैदल भी चलना है, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। हालांकि बच्चे अभी तक बिल्कुल थके नहीं हैं और उनमें वो उत्साह अभी तक बाकी है जो सुबह 6:00 बजे उठ के उन लोगों ने तैयार होने में किया था और आज तक अभी तक और इस वक्त तक वो बाकी है। देखो सब नाच करते हुए डांस करते हुए बाहर निकल रहे हैं। बच्चों की इस खुशी में अगर हम लोग भी अपनी खुशी को शामिल कर लें तो ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो सकती है दोस्तों। लेकिन हम लोग टेंशन को गले लगा लेते हैं और खुशियों को थोड़ा नज़रअंदाज करके निकलते हैं। दोस्तों ये है डिज्नीलैंड पेरिस का और हम कह सकते हैं कि ये बच्चों के लिए तीर्थ स्थान है, आज के बच्चों के लिए। हमारे ज़माने में तो नौचंदी का मेला देख लिया तो बहुत कुछ हो गया, या कभी अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार घूमने चले गए तो बहुत हो गया, लेकिन आजकल बच्चे डिज्नीलैंड के लिए इतना बेचैन होते हैं कि अपने माँ बाप को अपने लोगों को घर के लोगों को खींच के यहाँ तक लाते हैं। और आज की डेट में ये इतना पॉपुलर है कि ये कई कंट्रीज़ में है, सबसे पहले ये US में बनाया गया था, फिर UK में बनाया गया था, उसके बाद फ्रांस में बनाया गया और बहुत सारा एरिया इसमें है, यानी कि
कई सौ हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर ये बना हुआ है और इसमें सैकड़ों झूले हैं, सैकड़ों तरह की राइड्स हैं, अलग अलग तरह की जो है एंटरटेनमेंट के साधन हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और ट्रेन है घूमने के लिए, कार चलाने के लिए है। अरे क्या नहीं है यहाँ, यहाँ सब कुछ है, लेकिन मुश्किल ये है कि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें आपको कम से कम 3 से 4 दिन पेरिस के लिए चाहिए और अगर US में आपको डिज्नीलैंड घूमना है तो यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 1 वीक टू स्टे देयर और बिना उसके आप उसको ठीक से उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए बच्चों को 3-4 राइड करवा दी, हमने भी कर ली, बहुत मज़ा लिया। जैसे ही यहाँ से निकलकर हम टूरिस्ट बस में बैठे तो एक छोटी सी बच्ची माइक पर कुछ बोल रही थी, चलिए आप भी सुनिए। मैं अपने मॉम, सिस्टर एंड नाना नानी के साथ इस यूरोप की ट्रिप पे आई हूँ। सो एंड आई हैव वन चैनल आल्सो नेम्ड दिद्दी खुशी। हाँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट फ्रॉम 5 इयर्स और 4 इयर्स एंड आई डू कॉमेडी। हाँ, अभी नाना जी ने कुछ बताया नहीं था। मैंने ना एक बार अपनी दादी की मिमिक्री करी थी, वो मैंने आप यूट्यूब चैनल पे देख लेना। दोस्तों, फ्रांस जैसे देश में, वो भी पेरिस शहर में, इतना शानदार भारतीय खाना मिलना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे टूर मैनेजर मिस्टर सुरेश की वजह से ये संभव हो पाया। ये कितनी बड़ी बात है कि अपने देश से हजारों मील दूर जाकर आपको अपने ही देश के स्वाद वाला, अपने ही देश के स्टाइल वाला खाना खाने को मिल रहा है। अगर दिन भर घूमने के साथ शाम को खाना शानदार मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में इस अनुरोध के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।